50,000 दो और बेटे के शव को ले जाओ। ऐसा धंधा चल रहा है बिहार में, जहां बूढ़े लाचार माँ बाप को अपने बेटे के शव को पाने के लिए पोस्टमार्टम कर्मी को 50,000 रुपए देने थे, क्योंकि पोस्टमार्टम कर्मी ने 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। फिर क्या था, वो बूढ़े माँ बाप दर दर की ठोकरें खाने लगे। उस बेचारे बाप ने झोली फैला ली लोगों के सामने कि कोई उसे चंदा दे दे, और चंदा इकट्ठा करके वो रकम 50,000 रुपए हो जाए, जिससे कि वो अपने बेटे के शव को अपने घर ला सके। ये मामला सामने आया है बिहार के समस्तीपुर के सदर अस्पताल में। आपको ये वीडियो दिखाते हैं। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे। ये वीडियो अब हर जगह वायरल हो रहा है, हर अखबार की सुर्खियों में ये खबर लगी हुई है। अब ऐसे में प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे। डीएम साहब ने तुरंत एक्शन लेने को कहा, सिविल सर्जन ने भी एक्शन लेने को कहा है। बता दें कि ताजपुर थाना क्षेत्र के कस्बे आहर गांव निवासी महेश ठाकुर का मानसिक रूप से विक्षिप्त 25 वर्षीय पुत्र 25 मई को ही घर से लापता हो गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 7 जून को उन्हें जानकारी मिली कि मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक के शव को पुलिस ने बरामद किया, जिसके बाद वो थाना पहुंचे। थानेदार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तो वो सदर अस्पताल पहुंचे और अपने बेटे के शव को मांगा, लेकिन वहां मौजूद कर्मी ने शव देने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम कर्मी ने उस बूढ़े लाचार माँ बाप से 50,000 रुपए की डिमांड रख दी। फिर क्या था, वो लाचार माँ बाप दर दर भटकने लगे, झोली फैला करके लोगों से भीख मांगने लगे कि कोई उसे 50,000 रुपए का चंदा दे दे। ये वही पोस्टमार्टम कर्मी है जिसका पहले भी कई बार वीडियो वायरल हो चुका है, जहां पर ये लोगों से शव देने के नाम पर रिश्वत लेता है, पैसे की डिमांड करता है। कुछ लोग इसे दे देते हैं, लेकिन जो लाचार होते हैं वो इसी तरीके से दर दर की ठोकरें खाते हैं। अब ऐसे में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, डीएम साहब क्या कार्रवाई करते हैं और सिविल सर्जन क्या कार्रवाई करते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।